शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के शकुंतला विद्यालय रामनगर में उनका वार्षिक उत्सव उमंग का शुभारंभ 30 नवंबर से हुआ। ये वार्षिक उत्सव 4 सितंबर तक अलग अलग स्कूलों में मनाया जाएगा। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल अपना वार्षिक उत्सव उमंग नाम से मनाया करता है। इस वर्ष भी शकुंतला विद्यालय रामनगर में 30 नवंबर को वार्षिक उत्सव उमंग 2023 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम भिलाई रिकेश सेन एवं छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री सुश्री नीता लोधी विशेष रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात शकुंतला विद्यालय रामनगर के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर अतिथियों एवं दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। साथ ही विद्यालय के होनहार एवं मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान भी अतिथियों के हाथों संपन्न कराया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले एवं खेल सहित अन्य विधाओं में अपना लोहा मनवाने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। आयोजन के मंची कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शकुंतला विद्यालय की बढ़ती हुई मान प्रतिष्ठा की बातें कहते हुए शकुंतला विद्यालय को छत्तीसगढ़ के कुशल शैक्षणिक प्रतिष्ठान होना बताया। जहां एक और न्यूज टीम को जानकारी देते हुए शकुंतला विद्यालय के डायरेक्टर संजय ओझा ने कार्यक्रम की जानकारी दी और आज छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में गिने जाने के लिए विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों एवं विद्यार्थियों को इसका श्रेय दिया। तो वहीं उपस्थित अतिथियों ने भी शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल को उनके द्वारा दिए जाने वाले बेहतरीन शिक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। मैं आदरणीय संजय ओझा जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से दशकों से शकुंतला विद्यालय ने अपना स्थान पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों के संस्थानों के बीच में बनाया है, निश्चित रूप से भिलाई का सम्मान गौरव है शकुंतला स्कूल। और जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे बच्चों के जो रैंक इस स्कूल में होल्ड हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए सबके लिए खुशी की बात है कि इतना बेहतर स्कूल, इतनी बेहतर शिक्षा। और जिस तरीके से हर एक सेगमेंट में, भले स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो या सिंगिंग की बात हो, कल्चरल हो, सभी में बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है। ये विशेष रूप से एक एक बच्चे का आइडेंटिफिकेशन और उन पर ध्यान देकर उनको ग्रोथ के लिए प्रोत्साहन जो देना है, ये सब काम निश्चित रूप से संजय ओझा जी को मैं बहुत सारी बधाई दूंगा फिर से। और हम सब शकुंतला परिवार के साथ हैं और हम सब लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा शकुंतला परिवार के साथ हैं। बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा। बिल्कुल, आज नहीं, जब से शकुंतला विद्यालय की आधारशिला रखी गई 1993 से, तब से इस विद्यालय ने अपनी एक क्वालिटी को मेंटेन किया और निश्चित तौर पे हमारे इस मिनी भारत को गढ़ने में और यहाँ के युवाओं को और बच्चों को आगे लाने में, इनकी प्रतिभा को निखारने में शकुंतला स्कूल्स का बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत अच्छा सफल प्रयास रहा। मैं आदरणीय भाई संजय ओझा जी को, विपिन ओझा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहूँगी। बहुत कुछ कहना चाहूँगा, मैं अपने पालकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से आज हमने इस मुकाम को प्राप्त किए हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे पालकों का विश्वास ऐसी बना रहे, हमारे बच्चे उच्चोत्तर उन्नति करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का भी नाम रोशन बहुत ज़्यादा। और मैं इसके लिए पूरे पालकों को, बच्चों को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से और पालकों ने विश्वास से जिस तरीके से हम पे विश्वास किया, यही परिणति है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँच सके हैं। कहते हैं कि वार्षिक उत्सव किसी भी स्कूल का दर्पण होता है, जिससे यह पता चलता है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है। प्रोग्राम में प्रतिभावान बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को उपस्थित जन समुदाय ने हृदय से सराहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।